हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 14A। पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि वृत्त, त्रिज्या, व्यास, अंतः क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, अर्धवृत्त, चाप, ये सब क्या होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर ये एक्सरसाइज हमें हल करनी है। तो सवाल में हमसे पूछा है वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र हो गया O। तीन त्रिज्याओं के नाम। त्रिज्या सेंटर से लेकर वृत्त की बॉर्डर तक होती है, तो देखते हैं कौन कौन सी है। OC, OD, OB तीन त्रिज्या हैं, तीनों हमें निकालनी है। व्यास, व्यास एक छोर से दूसरे छोर तक सेंटर से होते हुए जाता है, तो व्यास हो गया हमारा CB, व्यास हो गया हमारा CB। दो जीवाएं, एक जीवा हो गई AB, दूसरी जीवा हो गई CD। अंतः क्षेत्र में एक बिंदु, ये E है, ये अंतः क्षेत्र का बिंदु है। बाहरी क्षेत्र में एक बिंदु, इस समय में कोई बिंदु नहीं दिया, तो बाहरी क्षेत्र में यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं। चार चाप, दो लघु, दो दीर्घ। तो पहले लघु के ऊपर आते हैं, एक है AB, ये हमारी हो गई AB चाप। दूसरी चाप है AC, दूसरी लघु चाप है AC, ये दो हमारी लघु चाप हो गई हैं। दीर्घ चाप हो गई हमारी ABDC। एक तो हमारी ये चाप हो गई है ABDC, और दूसरी दीर्घ चाप होती है हमारी BDCA। ये दीर्घ चाप, दो हमारी दीर्घ चाप हो गई है। एक अर्धवृत्त का नाम पूछा है। वैसे जो डायमीटर होता है वो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है एक वृत्त को, तो एक तो हमारा अर्धवृत्त हो गया BAC, और दूसरा अर्धवृत्त है BDC। कोई भी आप लिख सकते हैं, इन दोनों में से उत्तर सही होगा आपका। सवाल नंबर दो, पार्श्वित देख कर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तीन त्रिज्याएँ OB, OA, OC, ये हमारी तीन त्रिज्याएं हो गई हैं। तीन जीवा, एक तो हो गई हमारी AB, दूसरी हो गई हमारी BC, और तीसरी हो गई हमारी AC, जो कि एक डायमीटर भी है। डायमीटर सबसे बड़ी जीवा होती है। चित्र में कितने व्यास खींचे गए हैं, उनके नाम लिखिए। व्यास हमको एक ही दिख रहा है, AC, तो उत्तर में लिखेंगे हम एक, और इसका नाम है AC। सवाल नंबर तीन, पार्श्व चित्र में इस सर्कल में ओ जो है वो केंद्र है। चित्रानुसार वृत्त के निम्नलिखित अंगों को विशिष्ट नाम दें। रेखाखंड OA, ये हो गई हमारी रेडियस, त्रिज्या। रेखाखंड AB और CD, AB तो हो गई हमारी जीवा, और CD हो गया हमारा व्यास। चाप CBD, ये हो गया सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त। चाप CAD, ये भी हमारा सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त है।